नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र सरकार ने बुधवार यानी कि आज पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को वापस ले लिया है। सरकार इसकी जगह साइबर स्पेस में पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के लिए नया बिल लाएगी और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिल वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जो ध्वनिमत से पारित हो गया। बिल लोकसभा में पेश होने के बाद विपक्ष ने इसके कई प्रावधानों का विरोध किया था। इसके बाद 11 दिसंबर 2019 को संयुक्त समिति के पास समीक्षा के लिए इस बिल को भेजा गया था। समिति ने 81 बदलावों का सुझाव दिया था। इसके बाद सरकार ने बिल वापस लेने का फैसला लिया। सरकार ने कहा कि कमेटी ने 81 बदलावों का प्रस्ताव दिया है और 15 अलग सिफारिशें भी की हैं। हमने मौजूदा बिल को वापस लेने और नए बिल लाने पर विचार किया है, जो संयुक्त कमेटी और कानूनी ढांचे के लिहाज से ठीक हो, यानी अब नए बिल का रास्ता साफ हो गया है। मैं आपको बता दूं कि 2019 में संसद में बिल पेश होने के बाद कांग्रेस और तृणमूल ने ये कहा था कि ये बिल जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस बिल के कानून बनने पर सरकार के पास लोगों के पर्सनल डेटा हासिल करने की आज़ादी मिल जाएगी। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कारण बता करके ये डेटा हासिल कर सकेगी। बिल कमेटी के पास रिव्यू के लिए भेजा गया था और फिर बहुत सारे बदलाव के सुझाव देखते हुए इसे वापस ले लिया गया। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने बुधवार को लोकसभा में ये बताया कि सरकार ने 348 मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक किया है। ये ऐप्स गलत तरीके से भारतीय यूजर का डेटा विदेशों में भेज रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्रालय ने ये कहा था कि ये एप्लीकेशन भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो दोस्तों, जो बिल आम जन के लिए अच्छा नहीं है, यानी कि ये कहिए कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल अगर वापस लिया गया है तो सरकार ने इसमें कुछ सोच करके इसको वापस लिया है, लेकिन इसकी जगह साइबर स्पेस में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक नया बिल लाने की भी बात कही गई है। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ फिर किसी और खबर के साथ हाजिर होती हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।